अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि फ़ाइनल टेस्ट में पास कैसे होते हैं। तो जैसे आपका टेस्ट आएगा, शुरता आपकी टेस्ट लेगा, शुरता फ्रंट सीट पे यानी बैठेगा, यानी आपको फोकस होना चाहिए। जैसे गाड़ी पे आप बैठेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे ये वो गियर, हैंड ब्रेक, ये मिरर, साइड मिरर, ऊपर वाला मिरर, ये साइड मिरर, ये सब देख के फिर सीट को, ये जो चेयर है जिस पे हम बैठे हुए हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे करना है। यानी आप जिस पे कंफर्टेबल हो सके, यानी बैठ के कंफर्टेबल हो, वैसे यानी आपको सीट रखनी है। उसके बाद आपको बेल्ट लगाना, ये लाजमी। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले, यानी जैसे आप बैठेंगे ना, तो सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे। ये बेल्ट इधर लगा के गाड़ी को अच्छी तरह से आगे पीछे करके, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये आगे पीछे करके जैसे आप कंफर्टेबल हो, तो ये देख के आपको शुरता बोलेगा कि आप चलें। तो आप बिस्मिल्लाह करके, यानी फोकस आपका हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सिर्फ फोकस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शुरता बस ये देखता है कि ड्राइवर का फोकस है, रोड पे गाड़ी चला रहा है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो। यानी वो इसी वजह से ही फेल करते हैं कि बाद बहुत से लोगों को यानी कन्फ्यूजन होती है, वो बहुत यानी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनके पाँव ये वो हिल यानी पाँव हिलने लगते हैं, हाथ हिलने लगते कि शुरता बैठा हुआ है, ये ना कह दे, वो ना कह दे। वो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ देखता है ड्राइवर को कि इसका फोकस है गाड़ी पे या नहीं है। तो आप जैसे ही यानी कॉन्फिडेंस होगा गाड़ी चलाएंगे, आप जैसे गाड़ी चलाएंगे आपकी, यानी आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी, जैसे बाहर निकलेंगे रोड पे, तो आपको यानी एक एक सेकंड में ये मिरर ऐसे ऐसे देखना है, ये साइड मिरर देखना है, लाजमन ये देखना है। वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा शुरता, वो आपको सिर्फ देखेगा कि इसका फोकस गाड़ी पे है या नहीं है। इंशाल्लाह जैसे आपका यानी कॉन्फिडेंस हो गया वो, तो उसके हिसाब से आपको पास करेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका आपके हाथ हिलेंगे, आपके पाँव हिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो आपका यानी वो आपको देख के यानी पहचान लेगा कि कंफ्यूज है या नहीं है। तो उसके बाद यानी अगर आप का कॉन्फिडेंस होगा, फोकस होगा गाड़ी पे, रोड पे, और जैसे सिग्नल्स वगैरह ये वो होते हैं, उनको फॉलो भी करने हैं लाजमी। जैसे नो एंट्री का सिग्नल है, उधर आपको बोलेगा शुरता कि इधर चलना है। अगर आपका यानी आपका माइंड खुला हुआ होगा, आपका फोकस होगा, आपको पता है कि नो एंट्री में जाना मना है, अगर आप जाएंगे शुरते के कहने पे, तो वो आपको फेल कर देगा। अगर आप अपना माइंड लगाएंगे कि यार ये नहीं, ये बोर्ड लगा हुआ है नो एंट्री का, तो इधर जाना लाजमी मना है, तो शुरता भले कहे आप नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आपको फेल कर देगा। तो यानी ऐसे वो टेस्ट लेते हैं, आपका माइंड चेक करते हैं, और आप देखने यानी देखते हैं कि इसका फोकस गाड़ी पे है, गाड़ी चलाने पर या नहीं है। तो बस यही है, इंशाल्लाह अगर आप इन बातों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट डालूं तो आप देख सकें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।
कर लेंगे, तो आपको रोड को भी देखना है कि रोड की स्पीड कितनी है, और जो अगर बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड लगे होंगे ये वो, उनको भी फॉलो करना है। अब ये जैसे सामने ये दिखा रहा है साइन बोर्ड ब्लू कलर का कि इस राइट की तरफ जाना है, तो ये ऑर्डर दे रहा है कि हमें लाजमी इधर जाना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम राइट जाएंगे और साइड मिरर साइड में भी देखना है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, अगर नहीं आ रही तो आप निकल सकते हैं आराम से। अब जैसे ये स्टॉप का बोर्ड है, तो इधर वाला जो सामने वाले जो आएंगे ना, तो उनको लाजमी रुकना पड़ेगा, रुक के चेक करना पड़ेगा कि गाड़ी तो नहीं आ रही। अब जैसे ये स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ, ये रुकी है, अगर ये नहीं रुकती तो एक्सीडेंट हो जाता। अब ये सामने सिग्नल है, यानी रोड के हिसाब से आपको चलना है और कानून फॉलो करना है इनका, जो स्पीड लिखी हुई होती है रोडों पे, रोड्स पे वो आपको यानी उसी स्पीड से जाना है, ना उससे कम रखना है ना ज़्यादा रखना है। हमें ये रोड खाली है, अभी सामने सिग्नल है, इस सिग्नल पे आपको लाजमी रुकना है, लाजमी सिग्नल पे रुकना है। आप नहीं रुकेंगे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, और उसके अलावा 10-15 हज़ार मेरे ख्याल से या 20 हज़ार फाइन भी है, और गाड़ी भी बंद करते हैं 1-2 महीने के लिए। उसके अलावा यानि आपके लाइसेंस की ब्लैक पॉइंट भी काटते हैं, तो आपको रूल्स फॉलो करने लाजमी। अभी सिग्नल खुल गया है, तो सिग्नल जैसे खुलेगा तो हमें यानी जाना है। जैसे ही हमें यानी अगर लाइन चेंज करनी है ना, तो सबसे पहले साइड मिरर चेक करेंगे, हम देखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा, यानी कोई गाड़ी पीछे तो नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको लेन चेंज करनी है। और यानी देख के पीछे साइड का मिरर देख के उसके हिसाब से फिर आप वो यानी सिग्नल देंगे, इंडिकेटर यानी देंगे साइड का, ताकि पीछे वाले को पता चले, कोई अगर आए भी तो उसको पता चले कि ये राइट में जा रहा है, तो वो गाड़ी स्लो कर देगा। आपको गाड़ी पे यानी फोकस होना चाहिए। ये साइन बोर्ड लगे हुए ना साइड में, इनको भी यानी लाजमी ये देखना है आपको। अभी हमें सीधा जाना है, तो ये रुकना है थोड़ा इधर। ये जैसे ही खुल गया, क्या बोलते हैं सिग्नल, तो हम जाएंगे सीधा आगे वाले सिग्नल से, हम लेंगे राइट। अभी ये रोड की स्पीड बता रहा है 60, तो हमें 60 में ही जाना है। 10 के यानी 10 स्पीड बढ़ जाए तो भी मुश्किल नहीं, लेकिन अबू धाबी में यानी रूल्स हैं कि उधर यानी वही स्पीड यानी 5-10 स्पीड भी यानी आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते। वहाँ पे जैसे आप कम जाएंगे या ज़्यादा जाएंगे। अभी हमें राइट जाना है, तो हमें राइट का सिग्नल देना है, पहले मिरर देखना है, उसके बाद हमें सीधा जाना है राइट में। तो हमें राइट में जाना है, तो हम राइट में जाएंगे सिग्नल देखकर। अभी हम देंगे लेफ्ट का सिग्नल,
लेफ्ट का सिग्नल देंगे और उसके अलावा ये मिरर देखेंगे साइड का कि गाड़ी कोई पीछे तो नहीं, पीछे गाड़ी नहीं है तो हमें लेफ्ट में जाना है, तो हम जा रहे हैं लेफ्ट में इस वाले ट्रैक में। ये खाली ट्रैक है, ये स्पीड वाला ट्रैक है, इस पे यानी पिकअप वगैरह ट्राला वगैरह यानी इस ट्रैक में नहीं आते। ये ट्रैक स्पीड वाला है, सामने राडार लगा होगा तो हमें स्पीड कम रखनी है। ये 60 की स्पीड वाला रोड है।